जैसे जो लोग राम राम करते हैं उनकी ताकत उस हिसाब से बढ़ती है, हम लोग जय भीम करेंगे हमारी ताकत उस हिसाब से बढ़ेगी। जितनी बार नाम लिया जाएगा, हम अपने महापुरुषों का नाम लेंगे उतनी बार हमारी ताकत बढ़ेगी। सिखों में कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, उसी हिसाब से भीम नाम जहाज है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज के हमारे इस खास शो चलते चलते के एपिसोड में हम लोग लखीमपुर खीरी से और लखनऊ जा रहे हैं बाय रोड। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे बहुजन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ भारती जी और सीएल बोस साहब जो है वो बैठे हैं, और मेरे बराबर में जो शख्स इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उनका नाम है धीरेंद्र वाल्मीकि। कैडराइज है, मिशनरी है, रात उनके साथ बहुत सारी बातें जो है वो होटल में हमारे साथ हुई थी, तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ बातचीत की जाए ताकि आपको मालूम हो कि वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो किस कदर अंबेडकरवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, और वाल्मीकि सरनेम से भी अब लोगों को दिक्कत जो है वो होने लगी है। तो मैं धीरेंद्र जी से बातचीत करूं और ये पूछने की कोशिश करूं कि उनको वाल्मीकि जो शब्द है उससे क्या दिक्कत है। धीरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए मतलब कैसे आपको वाल्मीकि समाज में पैदा होने के बाद में, जाति में पैदा होने के बाद में अम्बेडकरी फूले आंदोलन का कहाँ से पता चला? काफ़ी छोटे थे हम, पहले तो आप सभी को जय भीम। काफ़ी छोटे थे, हमारे घर में एक मीटिंग हुई थी जी। और मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। बाम सेब की मीटिंग थी और मेरे घर में सारे लोग रो रहे थे, ये मैं उस समय नहीं पता था क्यों रो रहे हैं। लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए और बाम सेब से जुड़े और अंबेडकर मिशन से जुड़े, तब हमें पता चला, हमें जानकारी हुई कि हमारे महापुरुषों ने कितनी परेशानी के बाद कितना उन्होंने संघर्ष किया है, और उस संघर्ष में वो लोग उन्होंने अपने बच्चे और मतलब सब कुछ खोना पड़ा है और वो हमारे लिए लड़े। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जब हमारे लिए इतना त्याग किया, बलिदान दिया, तो वाल्मीकि और वाल्मीकि शब्द से हमें यह परेशानी है कि हम वाल्मीकि जहाँ भी बताते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं रामायण रचयिता वाल्मीकि थे, ठीक है मैं मानता हूँ रामायण रचयिता वाल्मीकि थे, लेकिन जब हम वाल्मीकि हैं तो हमसे इतनी घृणा क्यों? हर समाज हमसे, हम जब भी बताते हैं कि मैं वाल्मीकि हूँ तो वो ये कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो बंगी है, नीची जात का है, यदि मैं वाल्मीकि हूँ तो नीच कैसे हुआ? ठीक है, अगर जो नीच हूँ तो वाल्मीकि कैसे हुआ? तो ये दोनों चीजें जो हैं ये समझ में नहीं आ रही कि इससे बढ़िया हमें या तो ये कह दिया जाए कि आप वाल्मीकि नहीं है, और यदि हमें वाल्मीकि कहा जा रहा है तो हमसे घृणा ना की जाए, किसी प्रकार का जो शोषण है, जाति का शोषण है, वो हमें नीची नजर से ना देखा जाए, हमें सम्मान की नजर से देखा जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम वाल्मीकि हैं तो हमको सम्मान की नज़र से देखा जाए क्योंकि हमने रामायण लिखी है और हम उनके वंशज हैं। तो अब जैसे बात रामायण लिखने का आता है, तो वाल्मीकि जी खुद अपना जो परिचय है वो उसमें एक ब्राह्मण के रूप में देते हैं, तो अगर वो ब्राह्मण थे तो फिर वो उनके जो मानने वाले हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, वो भंगी कैसे हो गए और वो फिर सफाई के काम में कैसे आ गए? अब ये हो सकता है कि सफाई का काम रहा तो काम कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, डकैती नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये है कि इस समाज के लोगों को खास तौर से इसी में एक किस्म से कहते हैं कि इसी मजा आने लगा, या हो सकता है उनकी समस्याएं इतनी ज़्यादा बड़ी हों कि उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। और किसी और पढ़े लिखे थे नहीं, शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो जब शिक्षा का अधिकार नहीं तो हम और कोई काम कर भी नहीं सकते। धीरेंद्र, बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो
बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जय भीम नहीं करते हैं, जो बाबा साहब का आंदोलन उससे नहीं जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो वाल्मीकि को मानने वाले लोग, हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, क्या कहोगे उनके लिए? अब पहले मैं भी नहीं जानता था, तो मैं भी कहता था कि जय भीम वो बाबा साहब चमार है, मैं एक चमारों का क्यों जय भीम करूं? तो अगर जो बाबा साहब चमार हैं तो मैं मुझे जय भीम नहीं कहनी चाहिए, तो मुझे राम राम भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो राम थे वो ठाकुर थे। तो कहने का मतलब ये है, जो जिसके महापुरुष का नाम लेगा उसका उतनी ही ताकत बढ़ेगी, ठीक है? जो जैसे जो लोग राम राम करते हैं उनकी ताकत उस हिसाब से बढ़ती है, हम लोग जय भीम करेंगे हमारी ताकत उसी हिसाब से बढ़ेगी। जितनी बार नाम लिया जाएगा, हम अपने महापुरुषों का नाम लेंगे, उतनी बार हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे आने वाली नस्लों की ताकत बढ़ेगी। आप सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे, भीम आर्मी से जुड़े रहे, अभी वर्तमान में बहुजन सेना में भी आप जो अमरनाथ जी के साथ काम कर रहे हो, दलित आंदोलन क्या आपको लगता नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर के बिना चल सकता या नहीं चल सकता? मुझे नहीं लगता कि बगैर डॉक्टर साहब के, बगैर बाबा साहब के, मुझे नहीं लगता है बगैर उनके नाम का। वो एक जैसे सिखों में कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, उसी हिसाब से भीम नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, उसमें जो भी चढ़ेगा उसका भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। आपके जैसे कितने लोग हैं वाल्मीकि समाज में, मतलब जो मतलब मैंने देखा कि लोग अब वाल्मीकि सरनेम भी बताने में डरते हैं, बोले नहीं वाल्मीकि नहीं भंगी कहो या कुछ और सरनेम वो लगा लेते हैं, बोले वाल्मीकि। मेन चीज़ ये है, मैं वाल्मीकि मुझे कोई एतराज नहीं वाल्मीकि लगाने से, लेकिन वाल्मीकि लगाने से भी जब हमें भंगी की नज़र से देखा जा रहा है तो इससे बड़े हम भंगी क्यों ना लगाएं, फिर सीधा सीधा दिखे। ये जो क्या कहते हैं कि एक जो बेकार सी मिठाई होती है उस पे चांदी का वर्क लगा दिया जाए तो मिठाई अच्छी थोड़ी हो जाती है, तो उसी प्रकार से जब हम इतने ही बुरे हैं तो हमें ये वाल्मीकि का नाम लगाने से कौन सा हमें लोग अच्छी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वाल्मीकि हमारे सर पे थोपे गए हैं और वो तो खुद ब्राह्मण थे, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से जो भंगी जाती है जुड़ ना जाए इसलिए वाल्मीकि को उनके ऊपर थोप दिया गया। नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये तो इस बात को तो हम 100% मतलब सही मानते हैं। क्योंकि अगर जो वाल्मीकि ना होता, वाल्मीकि शब्द ना होता या वाल्मीकि से हम लोग ना जुड़े होते तो जाहिर सी बात है सारे के सारे वाल्मीकि भाई जो हैं या हमारी और भी जातियां जो हैं जातियां वो सारे लोग बाबा साहब के मिशन से जुड़े होते हैं। उसी को ख़त्म करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए हमें हमारे साथ ये किया गया। आप ये मानते हो कि बाबा साहब के मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए वाल्मीकि को हमारे साथ जोड़ दिया गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में सच्चाई है। नहीं, आपने कहा तो क्या मतलब वाल्मीकि को छोड़ा नहीं जा सकता? नहीं, हम कहने का मतलब ये है, हम छोड़ना अब तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा समाज हमारा विरोध करेगा। लो ये वाल्मीकि, क्योंकि पहले ये था कि वाल्मीकि के नाम से हम लोग जब जाने जाते थे तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता था, हमें ये लगता था कि राम के वंशज, राम को बनाने वाला कोई है तो वो वाल्मीकि जी हैं। तो जब राम को बनाने में वाल्मीकि जी का हाथ है तो अभी तक राम मंदिर में इतने सालों से इतना ये सब चल रहा है, राम मंदिर जो बना हुआ है अयोध्या में वहाँ पर एक भी वाल्मीकि पुजारी नहीं, तो वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। अगर जो ऐसा है, हम लोग वाल्मीकि लोग जब इतने वो है तो फिर वहाँ पे भी एक मंदिर होना चाहिए, मंदिर में एक वाल्मीकि पुजारी होना चाहिए, वाल्मीकि की मूर्ति भी लगनी चाहिए। बिल्कुल, वाल्मीकि की मूर्ति लगनी चाहिए और वाल्मीकि पुजारी होना चाहिए, हम लोगों को भी तो लगे कि हाँ, हम लोगों को भी लगे कि हम लोग वाल्मीकि के वंशज हैं, अच्छा लगे, हम लोगों को भी गर्व महसूस हो। यहाँ तो हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। क्या 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 संदेश देना चाहोगे तमाम वाल्मीकि समाज के युवाओं को? संदेश यही देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे जो हमारे समाज के जो नेता हैं उनसे हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारा समाज जो आज ठेका प्रथा चल रही है, ठीक है ठेका प्रथा चले, लेकिन 7,000-8,000 कहीं कहीं पे 6,500 मिल रहा है हमारे समाज को जो सफाई का काम करता है,
या तो ठेका प्रथा चला रहे हैं तो सैलरी कम से कम 25,000 से 30,000 होनी चाहिए, ठीक है, ठेका चलाइए कोई समस्या नहीं, लेकिन या फिर ठेका प्रथा बंद कीजिए, आप परमानेंट लाइए, संविदा भी नहीं होनी चाहिए, आप उनकी इनकम बढ़ाइए। 7,000-8,000 होने के बावजूद बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ लेगा? फिर लोग हम पे ये उंगली उठाते हैं कि हम लोग गंदे रहते हैं, हमारा समाज गंदा रहता है। 7,000-8,000 में महीने का खर्चा नहीं चल पाता है और आप चाहते हैं कि हम लोग साफ सुथरे रहे, अच्छे कपड़े पहने। ये तो वाल्मीकि समाज है, क्या वो सफाई के काम को छोड़ नहीं सकता? नहीं, क्यों नहीं छोड़ सकता, लेकिन यही तो रणनीति है कि हम इनकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे। जब इनकम नहीं बढ़ेगी तो ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे। जब 7,000-8,000 में घर का राशन नहीं चल पा रहा है तो ये बताइए आप बच्चे पढ़ कहाँ से लेंगे, और अगर जो पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, और सरकारी स्कूल में पढ़ या तो टीचर अच्छे रखे जाएं और उनकी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की जाए। ये शिक्षा का जो दोहरीकरण किया गया है, ये मेरे ख्याल से ये भी सब ऊपर से ही है कि ना सरकारी स्कूल अच्छे होंगे ना उसमें बच्चे पढ़ने जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में औकात ही नहीं है एक सफाई कर्मचारी की पढ़ाने की उसमें कि वो पढ़ा लेगा। हाँ, ये हो सकता है जैसे कि 1,000 लोग हैं उसमें हो सकता है 10 लोग पढ़ाते हों अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, लेकिन बाकी तो पूरा का पूरा समाज जो है हमारा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाज को गरीब बनाए रखने की और गलीच बनाए रखने का ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, ये सरकार का ही है कि इनको हम 6,000-7,000 से ज़्यादा देंगे नहीं, ना इनके सिर्फ खाना खा पाएं, बाकी कुछ ना कर पाएं। तो जो फूले अम्बेडकर ये आंदोलन है, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आंदोलन है, वाल्मीकि समाज में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि शिक्षा की ज़रूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने हाथ की आधी रोटी बेच रहे हैं बच्चों को शिक्षित करना। बाबा साहब ने कहा था कि आप जिन कामों की वजह से जाने जाते हो, जिन कामों की वजह से लोग आपको उससे घृणा करते हैं, उन कामों को छोड़ दो, साफ सुथरा रहना शुरू करो। मैसेज कन्वे कैसे होगा? देखिए सर, मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, और शिक्षा की तरफ कैसे जा सकते हैं बताइए? हम लोगों को शिक्षित, जैसे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो जब शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे तो संगठित कहाँ हो पाएंगे? और ये सरकार का जो है एजेंडा है, इसलिए हमारे वाल्मीकि भाइयों से ये कहना है कि बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ें और आगे बढ़ें, और ज़्यादा कुछ ना कह के कहना ये चाहेंगे कि एक बार पढ़ें ज़रूर, ना उनको माने, ठीक है, बाबा साहब को मत मानो, लेकिन उनकी एक बार किताबें ज़रूर पढ़ो। नहीं मानना चाहते, जय भीम नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उनको पढ़ो ज़रूर, संविधान को एक बार पढ़ो ज़रूर। तो दोस्तों, आज आप थे धीरेंद्र वाल्मीकि, और जैसा मैंने बताया कि हम लोग लखीमपुर खीरी से और वो लखनऊ जा रहे हैं बाई रोड, तो चलते चलते का हमारा खास प्रोग्राम धीरेंद्र वाल्मीकि जी के साथ हमने इसलिए शूट किया, मैं बताना दिखाना चाहता था तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों को और तमाम अम्बेडकरवादी लोगों को जो ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज सुधर नहीं रहा है, बाबा साहब को नहीं मान रहा है, तो धीरेंद्र वाल्मीकि जैसे लोग उनके लिए एक मिसाल हो सकते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस तरीके से फॉलो करते हैं और अपने समाज को लेकर के जो बातें उन्होंने कही, तमाम वाल्मीकि समाज को जो है उनकी बातों को समझना चाहिए और फूले अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए राहुल लाइव 85। धन्यवाद।